जय श्री राम मित्रों, मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। रात काफी बीत चुकी है, लेकिन बात बहुत सारी है जो आप लोगों को सुनाने हैं। कौन कहता, कौन कहता कि मुलाकात नहीं होती। कौन कहता कि मुलाकात नहीं होती। कहता कि मुलाकात नहीं होती। हम रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। हम रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। बात तो होनी चाहिए। आइए मैं आप लोगों को सीधे एक भजन की ओर ले चलूं, क्योंकि भजन जो है कहते हैं एक जमाना था जब लोग हाथी पालते थे, अपनी शानो शौकत में हाथी पालते थे। समय धीरे धीरे बदलता गया, हाथी से लोगों ने घोड़े पाले। हाथी भी रत्न है, घोड़ा भी रत्न है, अच्छा है। अब ऐसा समय आ गया कि लोग कुत्ते पाल रखे हैं। मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे, खास करके वे लोग जो कुत्ते पालते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक जमाना था जब लोग दरवाजे पर एक आदमी रखते थे, देखना कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आज ऐसा समय आ गया कि लोग दरवाजे पर एक कुत्ते पाल रखे हैं, कुत्ता पाल रखे हैं, देखना कोई आदमी घर में न घुस जाए। सोच लीजिए, शायर लिखा कि आत्मा का आदमी सम्मान खो बैठा और चंद शीकों के लिए ईमान खो बैठा। अब आदमी को आदमी कैसे कहे जनाब, जब आदमी का आदमी पहचान खो बैठा। अब आदमी को आदमी कैसे कहे जनाब, जब आदमी का आदमी पहचान खो बैठा। सबसे बड़ी बात है, आज सब कुछ है, हम काफी विकसित हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर से आदमियत समाप्त है। मेरा मानना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना, एक अच्छा इंजीनियर बनना, एक अच्छा शिक्षक बनना, एक अच्छा नेता बनना, एक अच्छा कारीगर बनना, एक अच्छा कलाकार बनना, ये बात अच्छी है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना ये बात उससे भी अच्छी है। आप यदि डॉक्टर हैं तो अच्छा डॉक्टर है, भगवान की कृपा है, लेकिन आप एक अच्छा आदमी बने ये बड़ी बात है। आज समय बदला है और अनायास मुझे एक गीत याद आ रहा है। इस जहां में अगर, इस जहां में अगर आदमी ना रहा, फिर सुखों का अंबार किस काम का। इस जहां में अगर आदमी ना रहा, फिर सुखों का अंबार किसका।
ला गई, फिर खाली गुलजार किस काम का इस जहां में अगर। सामान है, सोच लीजिए ये तमाम चीजें हो और आदमी नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। आदमी है तो खुशियों का सामान है, आदमी के बिना सब बियावान है। आदमी कुछ गलियां ये घर बार किस काम का इस जहां में अगर। आदमी ना रहा फिर सुखों का अंबार किस काम का। आदमी के रूप में बहुत लोग है, आदमी के वेशभूषा में बहुत लोग है, लेकिन अंदर आदमियत नहीं है तो मैं उनको कैसे आदमी कहूं। इसलिए कहना है प्यार करने को इंसान बनाया गया, प्यार करने को बनाया गया, खाली तन में फरिश्ता बिठाया गया। तुझको इतने गुणों से सजाया गया, तुझको इतने गुणों से सजाया गया, तुझको भूला तो श्रृंग इस जहां में अगर। आदमी ना रहा फिर सुखों का अंबार किस काम का। आदमी है तो हमारा कुछ काम है और हमें उस काम में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। देश को अगर खुशी दो, अगर देश को तुम खुशी दो, किसी को अगर देश को जिंदगी दो, किसी को अगर देश का इस जहां में अगर।
मेरा एक खास निवेदन है आप सभी मित्रों से, आप स्वयं गीत संगीत सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, गजल सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा आप अपने मित्रों को भी ये चीज सुनाएं, और इसके लिए आप अपने मित्रों के लिए और मेरे लिए कम से कम मेरे भजन को आप शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद मैं करता हूं कि आप सब भी निश्चित रूप से शेयर करेंगे। तो काफी खुशी होगी मुझे, और आइए इसके बाद मैं आपको ले चलूं। एक और भजन की ओर एक जमाना था सज्जनों, जब लोग मंदिर में जाते थे और भगवान के सामने सर झुका के कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समां, ईश्वर इतना दीजिए जामे कुटुंब समां, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। किंतु आज समय बदल गया, लोगों की नियत बदल गई। आज वही लोग कहते हैं, ईश्वर इतना दे दिए सात पुस्तका, हम सब भूखा ना रहे चाहे देश भाड़ में जाए। लेकिन कहना है कि क्या तू लेके आया है सांसे हैं
तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। ये अपना बिराना, ये मेरा, ये तेरा, ये सब कुछ तब तक है जब तक हमारी ये सांसें चल रही है। जिस दिन सांस बंद हो जाएगी जीवन का खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा, जब तलक ये तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं सांस रुक जाएगी, हो सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा, सांस रुक जाएगी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है महल बनाया, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। एक निवेदन करना है, अपने घाव सबको मत दिखाइए, अपनी घाव सबको मत दिखाइए, क्योंकि मरहम सब घर नहीं मिलता लेकिन नमक सबके घर मिलता है। इसलिए तूने सबके जख्मों पर रखे हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखे हर समय मरहम, बाद मरने के तुझको हो, बाद मरने के तुझको कोई रख ना पाएगा, बाद मरने के तुझको कोई रख ना पाएगा। तूने जो कमाया है महल बनाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। काम नहीं आती, मरने के बाद भी ये धन हमारे काम आते हैं, वो रूपी वो दौलत हमारे काम आती है, वो दौलत कौन, जिसे हम जीते जी इन दो हाथों से किसी नेक कार्य में लगा देते, किसी असहाय को दे देते, किसी गरीब को दे देते, किसी जरूरतमंद को दे देते, दान कर देते, तो वो दौलत मरने के बाद हमारे काम आते हैं। इसलिए कहा, दोनों हाथ उठा करके दान जो लुटाएगा, दोनों हाथ
उठा करके दाने जो लुटाएगा। वक्त आखिरी तेरी हो, वक्त आखिरी तेरे यही काम आएगा। वक्त आखिरी तेरे यही काम आएगा। तूने जो कमाया है महल बनाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। La 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 la, khali hath aaya hai khali hath jayega, khali hath aaya hai khali hath jayega।